आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th आल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। बहुत अच्छी सी यूनिट है। हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट यूनिट पढ़ने से कि हिस्ट्री टीचर जो रहता है वो क्लास में आइंस्टाइन से पूछता है कि कौन सा साल था आइंस्टाइन जब प्रशियन ने फ्रेंच को डिफीट किया था वाटरलू में। तो वो कहता है मुझे नहीं पता। वो कहता है तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम्हें क्या तुम भूल गए, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। मिस्टर ब्राउन जो कि इसके हिस्ट्री टीचर है वो कहते हैं, तो कहता है नो सर। वो कहता है अनयूजुअल तरीके से कहता है और बहुत ऑनेस्टी के साथ कहता है। तो पूछते क्यों नहीं, तो कहता है कि सर मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आता कि मैं डेट्स को क्यों याद रखूं, वो बुक में तो हमेशा लिखी हुई है। तो मिस्टर ब्राउन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यू अमेज मी आइंस्टाइन, इतना कहा। और वो कहते हैं कि तुम्हें इतना भी रियलाइज़ नहीं होता कि हम लोग हमें, वो कहते हैं कि सर हम लोग हर बार इसे वापस देख करके हम लोग बुक में से देख सकते हैं कि कौन से साल में हुआ है ना। और कहते हैं कि ये सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं सर, स्कूल में सबको पता है। तो वो कहते हैं यस सर। तो उसके बाद वो कहते हैं कि तो मुझे लगता है कि तुम्हें फैक्ट्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहते हैं फ्रेंकली सर मुझे बिल्कुल नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हें एजुकेशन में बिलीव नहीं है। तो कहता है नहीं सर मुझे एजुकेशन में बिलीव है, मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो कहता है उस केस में, वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत काइंड होना पड़ेगा कि तुम अपनी खुद की आइंस्टाइन थियोरी ऑफ एजुकेशन बनाओ, ठीक है। उनके कौन बोलता है कि उनके टीचर्स को बोलते हैं। और ये बात सही भी होती है आगे जाके कि आइंस्टाइन की भी कई थियोरीज आती है। अब वो कहते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स मैटर करते। वो कहते हैं कि आइडियाज़ मैटर करते सर, आपके पास कितने आइडियाज़ हैं। जैसे कि वो कहते हैं डेट्स लर्न करने में और या फिर आर्मी ने कितने आदमियों को मारा, ये सब याद करना इंटरेस्टिंग नहीं है सर, ये सब तो हम लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो अचानक से उसके टीचर कहते हैं दैट्स इनफ, गुस्से में और क्रूर तरीके से, हम आपका लेक्चर नहीं चाहते आइंस्टाइन, आपको एक पीरियड के लिए बाहर खड़ा होना पड़ेगा, जाइए बाहर जाइए। और ये पनिशमेंट लेकर के वो स्कूल के बाहर खड़े जाते हैं। तो उनके सारे टीचर उनके साथ लगभग ऐसे ही व्यवहार करते थे, वो उन्हें डिस्ग्रेस करते थे और वो उनकी क्लासेस ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। तो वो कहते हैं ये मेरी विश नहीं है सर। और वो कहते हैं तो तुम्हें अनग्रेटफुल बॉय हो और तुम्हें शेम होना चाहिए, खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे फादर को कल लेकर आना। आल्बर्ट जो थे वो बहुत मिजरेबल थे जब उन्होंने स्कूल छोड़ा, क्योंकि उन्हें स्कूल के बारे में कुछ पसंद नहीं था। उनके बारे में हर रोज़ वैसे ही रहता था कि बेकार दिन जा रहे हैं, ठीक है। वो हेटफुल प्लस थी उनके लिए हर सुबह जाना, मतलब वो चाहते नहीं थे डेली डेली उठ करके वो स्कूल जाएं। उनके उनकी विश थी कि उनके फादर उन्हें लेकर चले जाएं हमेशा के लिए, और उन्हें कोई पॉइंट भी नहीं दिखता था पूछने के लिए। तो पर वो पूछ नहीं पाते थे उनके पिताजी से, ठीक है। उन्हें आंसर पता थे, वो अपने डिप्लोमा तक के वहीं रहना पड़ रहा था उनको, ठीक है। तो वो कहते हैं उनके घर वापस जाने पर वो कोई खुश नहीं होते। उनके पिता जो है वो उनके पास थोड़ा सा पैसा और रहता है खर्च करने के लिए। तो आल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ एक रूम ले सकता है, पूरे क्वार्टर लेता है म्यूनिक में जहाँ पर वो रहता है। वो ख़राब फूड को माइंड नहीं करता, लैक ऑफ कम्फर्ट को माइंड नहीं करता, और किसी भी चीज़ को वो जो कम है उनके पास उसको माइंड नहीं करते। बस वो एटमॉस्फेयर जो है स्लम का, वायलेंस का, वो उन्हें पसंद नहीं है। वो उनकी लैंड लेडी उनके बच्चों को हमेशा मारती रहती है, और सैटरडे को उनके हस्बैंड दारू पी करके आके उन्हें मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, वो सुनते थे ये सारी चीज़ें। पर एटलीस्ट उनके पास उनका खुद का रूम था, तो ये वो कह सकते थे। उनकी दोस्त कहती है यूरी कि तुम्हारे पास कम से कम खुद का रूम तो है, इतना तो सोचो। तो वो कहते कि हाँ कम से कम मैं सिविलाइज ह्यूमन बींग्स के बीच में तो रहता हूँ, चाहे मैं पुअर स्टूडेंट ही क्यों ना हूँ। तो ये आल्बर्ट कहते हैं। तो वो कहती कि वो सिविलाइज नहीं है, यूरी कहती है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, सिविलाइज लोग अच्छे होते हैं। तुमने मेरी बात सुनी कि डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन ड्यूल। तो वो कहते कि तुम्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते एक बंदा दोनों की लड़ाई में मर गया। तो वो कहते फिर क्या हुआ, एक मर गया तो? तो वो कहते कुछ नहीं, वो और ज़्यादा प्राउड हो गया सामने वाला, और वो कहने लगा कि मैं सबको सबसे लड़ सकता हूँ, सिर्फ इससे ही नहीं, ड्यूअल ही नहीं और किसी से भी। वो अपसेट हो गए, मतलब आल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। और वो उनको पता चला कि उनके जो जिसका ड्यूअल हुआ था उसके चेहरे पे एक स्कार आ गया है, और वो वैसे ही है। तो वो आल्बर्ट कैसे वो मतलब उन्हें जैसे ही पता चला स्कार आया है तो वो थोड़े ऐसे रिएक्शन देने लगे। और फिर उन स्टूडेंट्स का क्या? तो वो कहते हैं वो तो स्टूडेंट्स ही हैं, कहते यूरी, मुझे डाउट है। वो कहते हैं स्टूडेंट्स ने मुझे, वो लोग, वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो कभी पास भी कर पाएंगे स्कूल का डिप्लोमा। तो उनकी जो कज़न थी एल्सा, ठीक है, वो भी सेम थी, और वो जब म्यूनिक आती है तो नॉर्मली वो बर्लिन में रहती है, ठीक है, तो जहाँ उनके फादर का बिजनेस है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। कल हम लोग बाकी की यूनिट कंप्लीट करेंगे, कल ये यूनिट खत्म हो जाएगी।